बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये एक प्लेट स्ट्रॉबेरी है, ये ब्लेंडर है, ये चीनी है और ये क्रीम, दो पैकेट ऑल पर्पस क्रीम ले लें या आपको जो भी पसंद है वो ले लें। और मैंने दो पैकेट लिए हैं, आपने जितनी मिकदार में बनानी है आप उस हिसाब से लें। और ये एयर टाइट जार चाहिए हमें या बॉक्स इस तरह का ले लें। दूध निकाल के दें मुझे। अच्छा जी, वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक अहम बात बताने वाली हूँ जिसके लिए आपको वीडियो के आखिर तक रहना पड़ेगा। ये स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह धो लें और इसके पत्ते निकाल दें। ये थोड़ा सा हमें दूध चाहिए। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपनी बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। दूध क्रीम ठंडी हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये स्ट्रॉबेरीज़ आपको जितनी मिकदार में चाहिए या आपने जितनी भी आइसक्रीम बनानी है अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से आप उतनी ले लें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक प्लेट है तो एक प्लेट ही लें, आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें चीनी जाएगी, अब वो भी आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। ये नहीं कि नाप तोल के मैं बताऊँ आपको, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मेरे घर में चूंकि मीठा ज़्यादा खाया जाता है तो मैं मीठा ज़्यादा डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा दूध डाला मैंने क्योंकि दूध के बगैर ये पेस्ट अच्छी तरह नहीं बनेगा। चलाते ही इसका पेस्ट बनाने के बाद असल प्रोसीजर इसका मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ये देखें ज़रा, ये पेस्ट बन गया है। अच्छा, कुछ लोग इसमें ना स्ट्रॉबेरी के जो बीज हैं वो पसंद नहीं करते, तो आप बेहतर है कि इस स्टेज पर इसको स्टेन कर लें। ये देखिए, मुझे ज़्यादा मिकदार में चाहिए था, मैंने ज़्यादा ले लिया है। अब दो पैकेट इसमें क्रीम डाल रही हूँ मैं और इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद असल प्रोसीजर इसका मैं आपको ब्लेंड करने के बाद बताने वाली हूँ। ये देखें, ये मैंने ब्लेंड कर लिया क्रीम डाल के। अब असल इसका जो ट्रिक है वो यहाँ है। अब इसको एक बड़े प्याले में डाल लें बड़े प्याले में डालने के बाद इसको आप यहाँ बीट करेंगे। जितना अच्छी तरह इसको बीट करेंगे उतना ही अच्छा है। जैसे क्रीम को व्हिप करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह इसको व्हिप करेंगे हम, ताकि जो आइसक्रीम के अंदर सख्त और क्रिस्टल से बन जाते हैं, आम जो बर्फ़ जमाते हैं या दूध जमाते हैं तो उसके क्रिस्टल बन जाते हैं, क्रीम भी जमाने तो इतना वो हो जाता है, सख्त हो जाती है। तो ये बीट करने के बाद इंशाल्लाह ये आइसक्रीम बहुत नरम बनने वाली है, जो कि मैं आपको बनाने के बाद दिखाऊँगी। और देखें इसको व्हिप करें, करने के बाद आप इसमें अपनी मर्ज़ी से जो भी चीज़ें ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स अगर पसंद नहीं करते हैं तो भी डाल सकते हैं, या फ्रेश स्ट्रॉबेरी के पीसेज भी डाल देंगे तो वो भी बड़ी अच्छी लगेगी। आलमंड डाल सकते हैं या कोकोनट, आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, जो चीज़ बच्चे आपके या ख़ुद जो चीज़ शौक से खाते हैं। ये देखें ज़रा, ये गाढ़ी हो गई है इनकी तरह। उसके बाद हम इसको इस टाइप के जार में बंद करके रखेंगे। एयर टाइट रखना ज़्यादा ज़रूरी है वरना ये सख्त हो जाती है। ये देखिए, ये इसको डब्बे में डालने के बाद हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे ओवरनाइट। ये चूँकि ज़्यादा है इसलिए इसको ओवरनाइट रखना ज़रूरी है। अगर थोड़ी कम मिकदार में हो तो 3 से 4 घंटों में भी फ्रीज़ हो जाती है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे इसको कितनी देर रखते हैं, कितनी मिकदार है उसी हिसाब से आप आइडिया लगाएं। तो ये चूँकि जार बड़ा है, फ्रीज़ होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं इसको रख रही हूँ। अब ये जाएगा फ्रीज़र में। अब इसको ओवरनाइट रख दें आप अगले दिन, क्योंकि अब गर्मियां आ रही हैं तो ये चीज़ आप बनाएं घर पर, अपने बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी मज़े से खाएं
और ये देखिए जी, अगले दिन मैंने ये निकाली है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है, समझ लें क्या है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी रेसिपी, और अगर रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ये आइसक्रीम भी शेयर करें। ये देखें ज़रा, एक हाथ से मैं इसको चम्मच से ले रही हूँ, मेरे पास क्योंकि स्कूप नहीं है, वरना मैं स्कूप बनाकर दिखाती आपको। तो ये देखें, ये इंतहाई नरम है। अभी फ़ौरन फ्रिज से निकालने के बाद मैंने इसको खोल के आपको दिखाया है। अगर 5-7 मिनट आप इसको बाहर रख देंगे तो ये क्रिस्टल्स, तो क्या ये इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट आपको लगेगी, तो खाने में आपको बहुत मज़े की लगेगी। किसी किस्म के फ्लेवर की, कलर की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल प्योर घर की आइसक्रीम है। उम्मीद है पसंद आएगी। अच्छा, सबसे अहम बात जो बतानी थी मैंने आपको शुरू में जो कहा था, कुछ लोग स्ट्रॉबेरी को कहते हैं कि इस्लाम में हराम है। अब इसके बारे में मालूमात लेनी है मैंने, तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनानी है। नहीं, उस वीडियो को देखने के बाद फिर आप फ़ाइनल कीजिएगा कि मेरी मालूमात कहाँ तक दुरुस्त हैं। तो अगर आपके पास कुछ मालूमात हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। क्या ये सच है कि स्ट्रॉबेरी जो है इस्लाम में हराम है? मेरे ख़्याल में इस्लाम ने तो कोई चीज़ हराम नहीं की ऐसी खाने वाली चीज़, कुछ चीज़ें हैं जो हराम हैं। इंशाल्लाह वीडियो बनेगी तो पता चलेगा।